नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार बादल और भारतीय जनता पार्टी के बीच के पिछले 24 सालों का संबंध लगभग टूट गया है। एनडीए से बाहर आ चुकी है अकाली दल और ये सारा मामला जो सामने दिख रहा है उससे प्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है कृषि विधेयक को लेकर। कृषि बिल लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुआ उसके बाद अकाली दल बादल ने एक मौका देखा और एनडीए से बाहर निकलने का इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि इन दोनों के बीच जो पिछले कुछ महीनों से तनातनी चल रही थी उसके पीछे का कारण कुछ और था। लेकिन जब कृषि विधेयक पारित हो चुका था तो उसके बाद अकाली दल को ये मौका मिल गया कि अब सही समय है जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ जा सकता है, और इसलिए हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया और फिर धीरे धीरे पंजाब में अकाली दल के लोग हैं उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जैसे कृषि विधेयक को लेकर पूरा पंजाब उबल रहा है। और ये स्थितियां उत्पन्न करने में अकाली दल का अपना स्वार्थ था, क्योंकि ये जो दोनों के बीच के गठबंधन को टूटने की पृष्ठभूमि थी वो बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। बादल परेशान थे और भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब में आधार बढ़ रहा है उसको लेकर अकाली दल पहले से ही ये विचार कर रही थी कि अब सही समय आ गया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने से पहले और काफ़ी पहले इस बात की तैयारी होनी चाहिए कि अब वो एनडीए में रहेंगे या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का संकेत दे दिया था कि अब लगातार इतने सालों तक बादल को वहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करने के बाद अब पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। और इसी को लेकर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी चल रही थी, लेकिन ये तनातनी पंजाब के नेतृत्व के बीच ज़्यादा थी और केंद्रीय नेतृत्व इस पर चुप्पी साधे हुए थी, और यही सबसे बड़ा कारण था कि अकाली दल किसी भी तरह से एनडीए से बाहर निकलकर अपनी अलग तैयारी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और इसके लिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी पिछले एक साल से कर रखी थी। पिछले जनवरी में जब पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया अश्विनी शर्मा को, तो उस समय से ही ये बातें सामने आने लगी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों की मांग करेगी, और अगर ये सीटों की मांग मुकम्मल नहीं हुई, अगर अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो एनडीए में वो नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में होने वाले विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेगी या वहाँ के दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। इसके लिए जेपी नड्डा ने भी तैयारी कर ली थी और जेपी नड्डा ने वहाँ पर मंडल केंद्र, शक्ति केंद्र और बूथ केंद्र जैसे एक परसेप्शन दिया था, और वहाँ जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उन लोगों को सक्रिय होने की बात कही थी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी और इसके लिए गांव तक पहुंचने की कोशिश चल रही थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के शहरी वेश हैं और शहरों में भारतीय जनता पार्टी के अच्छा खासा आधार पंजाब में पहले से ही हैं, उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को अपना आधार बढ़ाना था इसके लिए पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और ज़्यादा सक्रिय किया जा रहा था, क्योंकि जेपी नड्डा पंजाब में ज़्यादा सक्रिय थे और इससे पहले वो पंजाब में काम कर चुके थे। साल 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय जेपी नड्डा ही पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी थे, और इसके कारण वो उस हकीकत को समझते थे, और इसलिए जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसके बाद उनकी नज़र पंजाब पर टिक गई कि अब पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की तरह ही अब बड़े भाई की भूमिका में आनी चाहिए, और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आवाज़ें उठ रही थी और पंजाब के सियासत में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसका फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर की रणनीति बना रही थी। अश्विनी शर्मा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने उस समय उन्होंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को
पंजाब में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अकाली दल के गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से राजनीति कर रही है पंजाब में, उससे भाजपा को नुकसान हो रहा है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने, जो साल 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा सीटों पर लड़ने की मांग की थी, और भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि अकाली दल कम से कम 50 सीट भाजपा को दे। 117 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 50 सीट की मांग भाजपा ने रखी थी, लेकिन आखिरकार अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की बात मानने से इनकार कर दिया, और इसके कारण अंत में नेगोशिएशन होते होते भाजपा उस समय इतनी मजबूत नहीं थी, और भाजपा को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उस समय साथ चाहिए था, इसलिए अकाली दल की सारी शर्तें मान ली और अकाली दल ने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया, जिसमें अकाली दल 94 सीट पर चुनाव लड़के 15 सीट जीत पाई और भारतीय जनता पार्टी 23 सीट पर चुनाव लड़के 3 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद भाजपा ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली और पंजाब में गांव-गांव तक पहुँचने की अपनी मुहिम शुरू कर दी, और जेपी नड्डा ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद जेपी नड्डा धीरे धीरे पंजाब में अपना बेस बढ़ाते रहे, और धीरे धीरे जो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का आधार था वो भी बढ़ने लगा। आरएसएस ने भी पंजाब में बड़ी मेहनत की है, और इस बीच जो आरएसएस का उभार पंजाब में हो रहा है, हिंदू वोटर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और जो कांग्रेस को ज़्यादातर वोट देते थे वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इससे भी दिक्कत अकाली दल को हो रही थी। और इसलिए पिछले कुछ समय से जब सीएए के विरोध में आंदोलन हो रहा होगा उस समय भी, और उसके बाद दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, हर समय पर अकाली दल किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कन्फ्रंटेशन पैदा करने की कोशिश की, विवाद पैदा करने की कोशिश की, ताकि उसके ऊपर जिम्मेदारी न ले और ऐसा न लगे कि अकाली दल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते आधार के कारण डर के अकाली दल जो एनडीए से अलग हो गई है, अब उसको मौका मिला, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिति पंजाब में चल रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का आधार ही नहीं बढ़ रहा था, बल्कि दूसरी पार्टियों के बीच भी इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़े भाई की भूमिका में आने वाला है। और इसके लिए जो पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को बार बार रिपोर्ट दे रही थी। कुछ समय पहले ही, जब जुलाई की बात है, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जैसे मास्टर मोहन लाल, उनके साथ साथ मदन मोहन मित्तल, इन लोगों ने बार बार केंद्रीय नेतृत्व को ये बताया था कि अब भाजपा कम से कम 59 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ने की मांग करे अकाली के साथ, और इसके लिए अगर पहले से शर्तें लागू हो, पहले से दोनों के बीच बातचीत हो जाए तो हमें चुनाव प्रचार करने में आसानी होगी। लेकिन अकाली दल इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो अकाली दल का एक जो विरोधी गुट है, जो बादल के परिवार से अलग होना चाहता है, अकाली को मुक्त करना चाहता है, अकाली दल से अलग एक नई मुहिम शुरू करना चाहता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में था। और मदन मोहन मित्तल ने इस बात को मीडिया के सामने कही थी कि अकाली दल के कई नेता भाजपा के संपर्क में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अकाली दल के साथ जो हमारा पुराना रिश्ता है उसके कारण हम उनके ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ढींडसा जो परिवार है, जो अकाली दल के प्रमुख बादल के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे थे, परविंदर सिंह ढींडसा और उनके पिता सुखदेव सिंह ढींडसा, इन लोगों ने जब रैली की थी, जब बादल ने इनको सस्पेंड कर दिया था, उसके बाद इन्होंने अलग एक मुहिम शुरू की और जो विरोधी गुट के लोग थे उन्होंने इनको अध्यक्ष बना दिया अकाली दल का, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संपर्क था और वो बार बार भाजपा में आने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अकाली दल के पुराने संबंध को लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कंफ्यूज थी, और इसी के कारण इन दोनों के बीच दरार बढ़ती जा रही थी और अकाली दल
किसी स्तर पर एक ऐसे मौके की तलाश में था जिससे भाजपा को आगे आने वाले चुनाव में बड़ा मौका न मिल सके, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे ताकि ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के किसानों के खिलाफ काम कर रही है। और बादल को ये मौका इसी समय मिला जब कृषि विधेयक दोनों सदनों से पास हुआ और अभी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास है। ये समय सही समय उन्हें लगा जबकि पंजाब में किसानों को उकसाया जा सकता था, क्योंकि यही प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल के परिवार और हरसिमरत कौर बादल, जो पहले जब कृषि विधेयक की बात हो रही थी तो उस समय पिछले जुलाई में ही उन्होंने विपक्ष पर हमला किया था कि ये जो किसानों के लिए विधेयक लाया जाने वाला है, जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, उसमें विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और ये हरसिमरत कौर ने अपने स्टेटमेंट दिए थे, मीडिया में ये बात कही थी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो ये काम कर रही है उससे पंजाब के किसानों को फायदा होने वाला है। उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया था कि मंडी की व्यवस्था के खिलाफ भी ये विधेयक जो है वो किसानों के फायदे में होगा, किसानों को इससे फायदा होगा, क्योंकि इससे किसानों को अलग अलग क्षेत्रों में भारत के किसी जगह पर जाकर अपनी फसल बेचने का मौका मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, और वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो पंजाब में आएगी और उनके से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसानों का कॉन्ट्रैक्ट पहले अनुबंध हो जाएगा, उससे भी किसानों को फायदा होने वाला है। यानी कि उस समय वो विपक्ष के ऊपर हमलावार थी, लेकिन अचानक से अभी जो विधेयक पारित हो चुका है, पास हो गया, तो उसके बाद इन्होंने अपना रुख बदल लिया। इसके पीछे यही पॉलिटिकल रीजन था, क्योंकि पंजाब की सियासत अभी बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके खिलाफ मुहिम चला रखे हैं। राज्यसभा के दो सांसद जो कांग्रेस के हैं, शमशेर सिंह और उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा, दोनों मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो गए हैं। और प्रताप सिंह बाजवा को पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा मुहैया कराया था जेड श्रेणी का, और इसको लेकर भी अटकलें तेज हो रही थी कि प्रताप सिंह बाजवा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 2022 में खत्म होगा, और 2022 जो 16 से 22 तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल है, उसी समय 2022 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि अपने पूरे लावो लश्कर के साथ, अपने समर्थकों के साथ वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे। इसके अलावा जो मनीष तिवारी जैसे नेता भी हैं वो भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उनको भी एक मौके की तलाश है और मौका देखकर वो भी कभी भी पाला बदल सकते हैं। इन लोगों के अलावा जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो पहले काफ़ी नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे हैं और अलग थलग पड़ गए हैं, उनकी भी भारतीय जनता पार्टी में वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा लॉबी है जो किसी भी समय कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकती है, और ये प्लान 2022 का था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो तेजी से पंजाब में उभरी है उसमें भी विरोध चल रहा है और दो गुटों में बंटी हुई है, कई विधायक इस्तीफा देने के स्तर पर पहुंच गए थे। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो नए नए नेता उभर कर आए थे और जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जो संगठन में काम कर रहे थे, उन्हें भी बड़ी पार्टी का सहारा चाहिए, और इसके लिए वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं और भाजपा के साथ वो जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा एक सही समय का इंतजार कर रही है ताकि 2021 के बाद जब वहाँ चुनाव नज़दीक आए तो इन पार्टियों के नेता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो एक माहौल बनेगा। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ अकाली दल बादल, ये तीनों पार्टी के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे, और दूसरी तरफ भाजपा अपना आधार बढ़ा रही है और धीरे धीरे पंजाब में अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है। पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल नेतृत्व है वो अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, और JP नड्डा का पूरा ध्यान पंजाब के ऊपर है। तो 2022 से पहले
पंजाब की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला था और इसे अकाली दल भांप रही थी और इसलिए एक सही मौका का तलाश कर रही थी कि जैसे ही वो मौका मिले एनडीए से बाहर निकल जाएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ लें ताकि अभी से ही उन्हें अलग अलग गठबंधन बनाने या अपनी तैयारी करने का भरपूर मौका मिल जाए। और यही बड़ा कारण था जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के लिए पहले से जो पृष्ठभूमि बनी हुई थी उसके लिए एक समय हो गया और बादल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। इसका पूरा का पूरा राजनीतिक कारण ही रहा है। इसमें जो दिख रहा है कि कृषि विधेयक को लेकर किसानों की समस्याओं के लेकर बादल परिवार इतना सीरियस है, वो सीरियसनेस किसानों को लेकर नहीं है बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर है। वो अपने राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं और इसीलिए अपने कुछ समर्थकों के साथ किसानों की समस्या को और जटिल बनाने की कोशिश में लगे हैं। और अब जो विपक्षी पार्टी है, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं और कांग्रेस की जो पंजाब में सरकार है, उनके लिए भी मजबूरी हो जाती है कि बादल को काउंटर करने के लिए वह वहां पर किसानों के समस्या को उभारें और वहां पर विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन पंजाब की जो वास्तविक स्थिति है कुछ और है और वहां के सामान्य किसान अभी भी सारे मीडिया रिपोर्ट्स में जो दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ के सामान्य किसान इस विधेयक से काफ़ी खुश हैं क्योंकि पहले भी ऐसे ही जो प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो पंजाब गई थी उससे वहां के किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। तो इस राजनीतिक कारण से बादल अपना पाला बदलने की जो तैयारी कर रहे थे वो अब उनका सपना पूरा हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भाजपा के नेताओं ने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि अब पंजाब में 117 सीटों पर विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 2022 में अब जो वहां की जनता कांग्रेस और अकाली दल से अलग एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी फिट बैठेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।